जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे एग्री कम्युनिटीज़ में कैसे सीड्स है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसे सीड का वायदा बाजार जो है जो ट्रेड करता नजर आ रहा है, जिस हिसाब से सुबह के कार्रवाई सत्र के मुकाबले फरवरी वायदा 6228 पर ही है, 6270 का ही लगा चुका, आधे फीसदी की करेक्शन है। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार 6200 के ऊपर ही सस्टेन होकर चल रहा है, 6200 के ऊपर ही सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेडिंग करता नजर आ रहा है सुबह के कार्रवाई सत्र के मुकाबले। शाम में अभी आज के कारोबारी सत्र में थोड़ी सी करेक्शन और ज़्यादा गहरा आ गई है, 6200 के लेवल्स दिख चुके हैं, 6202 का लो भी लग चुका है। आपको बता दें कि कैसा सीड में अभी जो एक्सपर्ट्स थे वो तेज़ी बता रहे थे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसा सीड में यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ से एक हल्की सी मुनाफा वसूली भी बनती नजर आई है। लेकिन मुनाफा वसूली के बावजूद कैसा सीड का वायदा बाजार 6200 के ऊपर ही सस्टेन होकर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसा सीड में आगे बाजार मंदर आएगा या तेज। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वादा देख रहे हैं 3226 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2.5% की करेक्शन आज बिनौला खल में बनती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वादा 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, बिनौला खल में 2.5% की गिरावट बनती नजर आ रही है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बिनौला खल में बनती नजर आई है। आपको बता दें कि वैसे तो फंडामेंटल्स बिनौला खल के यानी कॉटन सीड ऑयल के मजबूत हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती नजर आई है, जिसकी वजह से हम अभी बिनौला खल के वायदा बाजार के NCDX पर लानिशान पर ट्रेड करते देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बिनौला खल में कुछ खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा रुक कर और वेट करना चाहिए, जिसले निचले स्तर पे खरीदारी करके चला जा सके, क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम सीवी पर। नमस्कार अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपसे बिनौला खल के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। आपने मार्केट टाइम सीवी के माध्यम से हर बार बिनौला खल में तेजी बताई है कि बिनौला खल में साल 2022 में काफी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आप ही ने लेवल दिया था कि बिनौला खल एक बार फिर से 3400-3500 तक के लेवल दिखा सकता है, इनफैक्ट आपने 3800-4000 तक के भी लेवल दे रखा है। लेकिन आज के कारोबारी सत्र में देख रहे हैं बिनौला खल 2.5% की करेक्शन के साथ 3300 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अजय जी, हम देख रहे हैं कि बिनौला खल काफी समय से 3300 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, स्टक हो गया है यहाँ पर। आपको क्या लगता है बिनौला खल में अच्छी तेजी कब तक और देखने को मिल पाएगी? देखिए, जैसे मैंने बिनौला खल में तेजी बताई थी 2400-2450 से हमने ऑलमोस्ट 3400 टच ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल, मेरा जो टारगेट है वो 4000 प्लस का है, 3800-4000 का लेवल मार्च तक दिखा देगा। अगर हम 1000 पॉइंट की तेजी के बाद अगर 200-300-400 पॉइंट की गिरावट आ भी जाती है तो हम लोग उसको करेक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे छोटा एक पुल बैक है मार्केट में। कभी भी वन साइड मार्केट नहीं चलता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फंडामेंटल देखना है, ना कि टेक्निकल। टेक्निकल में आपको वोट्स बॉट में भी दिखेगा, मार्केट में करेक्शन दिखेगा, लेकिन आप फंडामेंटल देखिए। जो क्रॉप हम 370 की जगह 360 की बता रहे थे, फिर 348 आ गया है, जबकि हाजिर मार्केट में 320 भी बताने के लिए घबरा रहे हैं लोग। और डिमांड भी कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री से कंटिन्यू बढ़ रही, नो डाउट। B2B में हमने थोड़ा स्लो डाउन देखा ऊंचे भाव में, तो आई थिंक जो ये 200-250 रुपए का जो करेक्शन मैं देख रहा हूँ 3100-3150 तक, ये एक लेने के लिए बिल्कुल वापस जो लोग छूट चुके हैं इस रैली में, उनके लिए ये लेवल बहुत मैथिन हो जाएगा। जब तक प्राइस 2950 के ऊपर फरवरी वायदा मेंटेन है, बिल्कुल तेजी का रुख है, फंडामेंटल अभी भी तेज है। अराइवल्स आप देखिए पिछले सालों के मुकाबले दिसंबर जनवरी में जबरदस्त गिरावट दिखा रहे हैं जी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है, जब तक 3400 के ऊपर वापस नहीं जाता है, 3100-3150 तक का लेवल मिलेगा, वहां पे आपको नई पॉइंट फिर से बनानी चाहिए। और जो लेवल मैंने आपको नवंबर दिसंबर में बताया था कि 4000 का लेवल बिनौला खल दिखाएगा, वो मुझे बिल्कुल लगता है कि 4000 का लेवल मार्च तक आपको दिखा देगा जी।
तो यानी कि 4000 तक के स्तर अभी भी बिनौला खल में देखने को मिल सकते हैं। अजय जी के मुताबिक बिनौला खल में पॉजिटिव ही रुझान है। अजय जी बिनौला खल को लेकर काफ़ी पॉजिटिव ही हैं और उनके अनुसार मार्च 2022 तक बिनौला खल में 4000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बिनौला खल यहाँ से अगर टूटता है तो अजय जी के मुताबिक नीचे में 2950 तक भी जा सकता है। 2950 के जब तक ऊपर है तब तक तेजी का ही रुझान है। निचले स्तर से बाइंग इनिशिएट फिर से बिनौला खल में देख हो सकती है और बिनौला खल में निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल्स बिनौला खल में अभी भी मजबूत ही है। यहीं से अजय जी बात करें अगर अब कैसे सीड की, तो कैसे सीड में हमने देखा है कि 5800-5900 से सीधे 6200-6300 तक के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से कैसे सीड का वायदा बाजार फिर से उन्हीं लेवल्स पर जाता नजर आएगा या फिर यहाँ से एक बार फिर से तेजी आएगी? देखिए कैसे में हमने बताया था कि मार्केट में थोड़ी गिरावट रहेगी और हमने ऑलमोस्ट 5800 तक का भी लेवल आते हुए देखा। हमारी उम्मीद थी कि प्राइसेस नीचे में 5500-5600 तक का लेवल दिखा सकता है। बजरी ढंग से हमने दिसंबर के अंत में और जनवरी में हमने देखा कि मौसम जो खराब हुआ है उसके चलते डैमेजेस भी रिपोर्ट हुई है। ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्राइसेस में फिर से एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी। टाइमिंग मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। नो डाउट फरवरी में हम देख रहे हैं कि नया अराइवल की वजह से ज्यादा करके प्राइसेस में थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाता है, बट टॉप साइज अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो काफी कम है। सेकेंडली जो पेंडेमिक के बाद की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं वापस मार्केट में रिस्टोर होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है मार्केट में। 2-4 दिन का जो बड़ा रैली अप हुआ था, बाकी 6000 के ऊपर मार्केट अगर फरवरी वाला मेंटेन रहता है तो हमें लगता है कि 6550 से 6650 तक का एक अच्छा खासा जंप हम देख सकते हैं प्राइजेस के अंदर। जी तो यानी कि कैसे सीड का फरवरी वायदा अगर 6000 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 6550 से 6650 तक के भी स्तर कैसे सीड में देखने को मिल सकते हैं। ये से जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी हमने देखा है कि काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है साल 2022 में। काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई देख चुके हैं हम शुरू से लेकर अब तक। आपने पहले ही बता दिया था कि साल 2022 में मसालों में अच्छी तेजी बनती नजर आएगी। जीरे में हमने 18,000 के लेवल देख चुके हैं, धनिया 10,000 के लेवल के ऊपर जा चुका है और हल्दी में भी काफ़ी शानदार तेजी देख चुके हैं। वहीं से देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों से मसालों में हल्की सी कमी बनती नजर आई है, नरमी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से मसालों में थोड़ी और गिरावट आ सकती है या फिर यहाँ से आगे मसालों में तेजी ही है? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि 2022 जो रहेगा वो मसालों का साल रहेगा और ऑलरेडी हमने पिछले 15-20 दिन में हमने जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी है। उस तेजी का मार्केट अब कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। मैं करेक्शन ही बोलूंगा, जैसे हमने बिनौला खल में देखा है वैसे थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग देख लेते तो ये एंट्री के लिए अच्छा। पहला आप एक चीज सिंपल समझिए कि कैरी ओवर स्टॉक अगर हम बात करें जीरा और धनिया की, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा नहीं था। जीरे में फिर भी थोड़ा बहुत था, धनिया में तो हमारी सिचुएशन हैंड टू माउथ की थी। वहीं अगर हम फर्दर अगर हम देखते इस बार सोइंग के अंदर ड्रॉप आता हुआ दिखा है, मौसम की खराबी के चलते कुछ डैमेजेस भी रिपोर्ट होते हुए दिखा है, पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है, एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही बिकॉज जो कंटेनर का कॉस्ट अगर मिडिल ईस्ट की बात करें जो $900 हुआ करता था वो आज $3,000 से $3,200 है। चाइना से भी हमने देखा था डिमांड में थोड़ा ड्रॉप था, बट चाइना ने दिसंबर मंथ में पेस्टिसाइड्स को लेकर उसने कूल ऑफ किया था जिसके बाद ये तेजी बनी है। तो मुझे लगता है ये हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन हम फरवरी मार्च में होते हुए देखेंगे जिसके चलते एक जबरदस्त तेजी अभी तक जो आई है वो तो हमने देखी है, बट इससे ऊपर और बड़ी तेजी बन सकती है। जो हमने मार्च 2021 के अंदर टारगेट रखा था धनिया में वो रखा था हमने 12,500 रुपए का, जो ऑलमोस्ट हमने 10,000-10,500 के बीच में अप्रैल वायदा को ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। जो अब हमें लगता है कि करंट जो न्यूज फंडामेंटल दिखा रहा है ये दिखाता है कि 2022 के अंदर 18,000 से 18,500 का भी लेवल हम धनिया में बनते हुए देखेंगे। वहीं जीरे की बात करें हमने 20,000 का एक ओवरव्यू रखा था जिसमें हमने 18,500 टच करते हुए देख पा रहे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि अब इसको रिवाइज करने का टाइम आ चुका है, जो ऊपर में 24 से 25,000 का भी लेवल जीरे में दिखा देंगे। वहीं हल्दी एक ऐसी कमोडिटी है जो हमको भी सरप्राइज देते हुए दिखाई दी, क्योंकि हल्दी का हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा था और ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी तेजी बने, बट जिस दिन से हमने नवंबर में मौसम जो बिगड़ा था और वहां से हमने डैमेजेस की रिपोर्ट देखी थी ये एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा था तेजी के लिए और एकाएक हमने प्राइसेस के अंदर काफी बड़ी रैली बनते हुए देखी और 11,000 का लेवल छू चुके हैं। नो डाउट इसी रैली को अगर हम डिमांड के साथ जोड़ते हैं और बाकी चीजों के साथ जो डैमेजेस हुए उसको देखते हैं तो 12,500 तक का लेवल लग रहा है, बट आई एम नॉट सो मच बुलिश ऑन टर्मरिक
जीरा धनिया मुझे लगता है कि अभी भी सबसे टॉपिक रहेगी, बट हल्दी में भी हम तेजी देखेंगे, बट ज्यादा तेजी हमें लगता है वो पहला है धनिया, फिर जीरा और फिर हल्दी। जी, तो यानी कि जैसा अजय जी ने बताया कि साल 2022 में मसाले काफ़ी शानदार मुनाफा देते नज़र आ सकते हैं। साल 2022 मुनाफा के लिए मसालों में काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है साल 2022 के अंदर। सबसे पहला अजय जी ने बताया धनिया, धनिया में सबसे अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ सकता है, उसके बाद जीरा, फिर हल्दी, तीनों में ही मसालों में अच्छा तेजी का ही रुझान आगे भी देखने को मिलता रहेगा। ये से अजय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हम देख रहे हैं कि लगभग एक सप्ताह से ग्वार गम और ग्वार सीड में कुछ धीरे धीरे बढ़त बनती नजर आ चुकी है। ग्वार गम देख रहे हैं कि 12,000 और ग्वार सीड 6,400-6,500 तक के भी स्तर दिखा चुका है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये फंडामेंटल वाली तेजी है जिसकी वजह से हमें ये लेवल देखने को मिल रहे हैं, या फिर यहाँ से ग्वार गम और ग्वार सीड में बच के चलना ही सही रहेगा? देखिए, मेरा व्यू पहले भी गवार कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूट्रल टू वीक था। हमने पहले भी कहा था कि जो अगस्त सितंबर में तेजी देखी थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी बन चुकी थी। अब उसके ऊपर ऐसा कोई नए फंडामेंटल जुड़े नहीं है जो प्राइजेस में तेजी करे। मार्केट में कुछ हम रूमर्स बोल सकते हैं, न्यूज ऐसी चल रही है कि क्रूड की तेजी की वजह से हमने इसमें जबरदस्त तेजी देखी। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यूएस का प्रोडक्शन बढ़ता है तो गवार गम को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो यहाँ पे गवार गम का उपयोग नहीं होता, ये तेल के कुएं पुराने हैं और जो सेल प्रोडक्शन या सेल से में जो यूज होता है वो यूएस में ही सबसे ज्यादा है। तो जब तक यूएस का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, गवार और क्रूड को कोरिलेट ना कीजिए, ये गलत चीज है। जी। हाँ, दूसरी ओर हमने देखा कि यूरोपियन नेशन में कोविड के कंसर्न की वजह से जो हमारा नेक्स्ट बड़ा एक्सपोर्ट होता है फूड इंडस्ट्री में, वहां से भी हमने थोड़ा सा ठहराव आते हुए देखा। नो डाउट हमने रिसेंटली 2-3 दिन में देखा है कि यूरोपियन यूनियन में हमने काफी कंट्रीज को कोविड से बाहर निकलने की कोशिश देखा है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने देखा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अब नो कोविड मानते हैं इस चीज को। तो हो सकता है उसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट आए, बट भाव को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा जंप आ जाएगा। तीसरा, अगर हम बात करें चूरी कोरमा की, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि राइट नाउ हम सोयाबीन मस्टर्ड ये सब जितने भी अदर खल है वो अच्छे से अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गवार पे ये भाव पे उसमें शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो इन ऑल मुझे नहीं लगता है कि ये कोई फंडामेंटल तेजी है, मे बी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट टेक्निकली ठीक है कि प्राइजेस ने 6,250 का लेवल तोड़ा है तो ऊपर में 6,500-6,600 का लेवल दिखा दे, या गवार 11,500 के ऊपर मेंटेन है तो मे बी हम ऊपर में 12,500-12,600 देखे, बट ये जो लेवल है वो टेक्निकल पुल बैक लेवल है, टेक्निकली ट्रेड करने के लेवल है। फंडामेंटली ये मत देखिए कि मैं यहाँ से गवार को 12,000 देख लूंगा या गवार गम को 20,000 फिर से देखेंगे, उसके लिए कोई स्ट्रांग डिमांड फैक्टर चाहिए जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि भाव ऑलरेडी पिछले साल अगर हम यही पीरियड में गवार गम की बात करें तो 6,000 वाला गवार गम आज 12,000 है, 3,500-4,000। जी, ये सर जी बात करें अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका में तो ड्राई वेदर कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वहाँ पे सोयाबीन का जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट है उसको घटा दिया गया है। वहीं पे अमेरिका में हम तो अजय जी सबसे पहले बता रहे थे ग्वार के बारे में, ग्वार में हमने देखा है उनका जो हमेशा से वो हमेशा ग्वार गम ग्वार ग्वार सीड को लेकर उनका जो ट्रेंड रहा है वो न्यूट्रल टू वीक ही रहा है। ज़्यादातर अभी भी ग्वार गम और ग्वार सीड में फंडामेंटली तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अजय जी के अनुसार उनके मुताबिक कुछ टेक्निकल की खरीदारी की वजह से कुछ तेजी बनती नज़र ज़रूर आ जाए जो ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों को ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी अभी भी बनती नज़र नहीं आ रही है, ऐसा अजय जी का मानना है। ग्वार गम और ग्वार सीड में हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी कुछ हल्की फुल्की और तेजी बन जाए, लेकिन ग्वार गम और ग्वार सीड में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, ऐसा अजय जी का मानना है। वहीं पे उन्होंने कैसे सीड के बारे में बताया था कि कैसे सीड में हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की और तेजी देखने को मिल जाए जो ऊपर कीमतों को थोड़ा और तेजी की ओर लेके चली जाए। वहीं पे बिनौला खल में अजय जी अभी भी तेजी की ओर है, बिनौला खल में बुलिश ही ट्रेंड उनके मुताबिक अभी और देखने को मिल सकता है। ये से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का फरवरी वायदा 6,390 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6,400 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी की तेजी है।
देख रहे हैं कि सोयाबीन का फरवरी वायदा आधे फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, ठीक ठाक लेवल देखने को मिल रहे हैं। सोयाबीन में देख रहे हैं कि कभी गिरावट तो कभी मंदी बंदी नजर आ रही है, खासकर के वायदा बाजारों के अंदर। बात करें यहाँ से अगर अब हाजिर बाजारों की, तो हाजिर में भी सोयाबीन के जो भाव हैं वो लगभग यही देखने को मिल रहे हैं। दरअसल विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में घटबढ़ देखने को मिल रही है, कभी ज़्यादा कीमत देखने को मिल रही है यूएस सोयाबीन की, तो कभी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में विदेशों की वजह से भारत में ही उठापटक का माहौल बनता नज़र आ रहा है। बात करें अगर साउथ अमेरिका की, यानी कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना की, तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन की जो फसलें हैं वो सूखे के चलते काफ़ी ख़राब हुई हैं, और वहाँ पे ड्राई वेदर कंडीशन ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो ट्रेड बॉडीज़ हैं वहाँ की, उन्होंने ब्राज़ील और सोयाबीन के उत्पादन के अनुमान में कटौती की है। पहले जितना अनुमान था उसे घटा कर कम ही कर दिया है। पहले अर्जेंटीना की बात करूं तो अर्जेंटीना में पहले 50 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसको घटाकर अब लगभग 43 से 45 मिलियन टन कर दिया गया है। इसी तरह से जो ब्राज़ील का उत्पादन अनुमान था पहले जो लगाया था, उसमें 10 मिलियन टन की कटौती की गई है। आपको बता दूं कि साल 2020-21 में ब्राज़ील और अर्जेंटीना की पूरे विश्व में सोयाबीन की सप्लाई की जो हिस्सेदारी थी वो आधी थी। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम रहता है, तो उसकी वजह से आगे जाके सोयाबीन की कीमतों पर और सोयाबीन की डिमांड सप्लाई पर कितना इम्पैक्ट पड़ता नज़र आ सकता है, सोयाबीन की आगे जाके डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर देखने को मिल सकता है, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं दूसरा बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका में देख रहे हैं कि जो दिसंबर 2021 में अमेरिका की सोयाबीन की पैराई में काफ़ी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है नवंबर के मुकाबले, और वार्षिक आधार पर भी देखें तो वार्षिक आधार पर भी अमेरिका में सोयाबीन की पैराई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अमेरिका में ये बढ़ोतरी उस समय देखने को मिली है जब बायोफ्यूल सेक्टर और खाद्य तेल के सेक्टर से सोयाबीन की जो डिमांड है काफ़ी शानदार है, और दूसरा जो सप्लाई कंसर्न है ब्राज़ील और अर्जेंटीना की वजह से पूरे विश्व में सोयाबीन के बने हुए हैं। अमेरिका में उस दौरान तेजी देखने को मिली है सोयाबीन की पैराई में, और जानकारों का यही मानना है कि अमेरिका में सोयाबीन की पैराई में आगे बढ़त ही और देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि सोया ऑयल का जो आउटपुट है और जो कंजप्शन है अमेरिका में वो भी बढ़ी है पहले के मुकाबले, ईयरली बेसिस पे की भी और मंथली बेसिस पर, दोनों बेसिस पर सोया ऑयल का जो कंजप्शन है, जो आउटपुट है अमेरिका में, वो भी बढ़ता नज़र आ चुका है। और आगे जानकार बता रहे हैं कि ज़्यादा पैराई बढ़ने से सोयाबीन की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलता नज़र आ सकता है। जो ज़्यादा महंगाई जो ज़्यादा तेज़ देखने को मिली थी उसकी वजह से अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों में हल्की फुल्की कुछ नरमी बनती नज़र आ सकती है, लेकिन वैश्विक आधार पर देखें तो विश्व में सोयाबीन की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर भारत के सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ता नज़र आ सकता है। क्योंकि अगर सप्लाई कम रहती है सोयाबीन की तो जो कीमतें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम, तो डिमांड और सप्लाई में जो गैप बनेगा उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में आगे और तेज़ी ही देखने को मिलेगी, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, दोनों ही जगह सोयाबीन की कीमतों में आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। मौजूदा समय में वर्तमान में अभी चुनाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो सरकार है खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करी हुई है और निगाहें रख रही है, जिसकी वजह से भी खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट ही देखने को मिल रही है, ज़्यादातर खाद्य तेलों में गिरावट है। इसकी वजह से सोयाबीन का जो बाज़ार है भारत में भी हल्का सा मंदा देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में जब विदेशों से ही सोयाबीन की कीमतें तेज हो जाएंगी और अन्य खाद्य तेलों की कीमतें तेज हो जाएंगी, तब भारत में भी खाद्य तेलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि रिफाइंड सोया तेल की भी जो कीमतें हैं साल 2022 में बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं लगातार। 2022 या उसके आने वाले सालों में जानकार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का ये अनुमान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कच्चा तेल $100 के भी पार जा सकता है, और कच्चा तेल महंगा होने की वजह से इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग सभी चीज़ें महंगी होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि
खाद्य वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कच्चे तेल से बनता है, और अगर कच्चा तेल महंगा होता रहेगा और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी तो आगे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो एडिबल ऑयल्स हैं या जितने भी खाद्य वस्तुएं खाद्य उत्पाद हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी। उसी के असर सोयाबीन की कीमतों पर भी आगे भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो आगे सोयाबीन में हम देखेंगे कि साल 2022 में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलती रहेगी। आपको बता दें हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा, उनके मुताबिक साल 2022 में सोयाबीन, पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, ये अमित सजय के मुताबिक पूरे साल 2022 में सोयाबीन 10,000 तक के भी लेवल्स दिखाती नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल रुझान सोयाबीन में तेजी वाला ही रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिल सकते हैं, शुरुआती दौर में 2022 में सोयाबीन की कीमतों में हल्की फुल्की करेक्शन बनती नज़र आ सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है, बाजार थोड़ा मंदा रह सकता है, इनफैक्ट यहाँ से बाजार नीचे भी जा सकता है 4,500 से 5,000 तक, लेकिन 2022 के अंत तक सोयाबीन में काफ़ी शानदार तेजी भी बनती नज़र ज़रूर आएगी। जानकारों के अनुसार किसानों को जो भाव मिलने की उम्मीद थी 2021 में, साल 2022 में किसानों को सोयाबीन के वो दाम मिलते नज़र आ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है और उस पर हमारे जानकारी की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।